इस समय हम संस्थान के ऐसे प्लॉट में खड़े हैं जिसमें NRC 147 लगाई है, जिसकी बोनी 24 जून 2021 है। इस वैरायटी की यह खासियत है कि इसमें ओलिक एसिड की मात्रा, ओलिक अम्ल की मात्रा 42 ± 5%, मतलब ये 47 तक भी जा सकती है और 37 तक भी जा सकती है। एक एवरेज ओलिक अम्ल की मात्रा इसमें जो है 42 पाई गई है, 42% पाई गई है। जो हमारी रेगुलर सोयाबीन वेराइटीज़ होती हैं उसमें ओलिक एसिड की मात्रा 18 से 23% तक जो है मिलती है, मतलब इस वेराइटी में लगभग दुगना ओलिक अम्ल है, जो कि सोयाबीन ऑयल को, जिसमें जितना ज़्यादा ओलिक अम्ल होगा उसमें उतनी ज़्यादा उस ऑयल की जो है ऑक्सीडेटिव स्थिरता होगी। यह वेराइटी दक्षिण भारत के लिए एवं पूर्वी भारत के लिए, मतलब ईस्टर्न जोन और सदर्न जोन दोनों के लिए रिलीज़ की गई है। बाकी इस वैरायटी के बारे में मेरे कोवर्कर डॉक्टर अनीता रानी बताएंगी। जैसा कि डॉक्टर विनीत कुमार ने बताया, इसको दक्षिण क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के लिए रिकमेंड किया गया है। और दक्षिण क्षेत्र में एक बीमारी आती है पर्पल सीड स्टेन, जो कि वहाँ काफ़ी घातक है, उसके लिए हम ये किस्म जो है प्रतिरोधी है और वहाँ के किसानों के लिए बहुत अच्छी सिद्ध होगी। यह वैरायटी दक्षिण क्षेत्र में जहाँ पर उत्पादन जो है औसतन उत्पादन 2 टन से ज़्यादा आका गया था, जब इसको 2 साल के लिए लगातार लगाया गया था, तो यह वैरायटी खासकर दक्षिण भारत के लिए बहुत अच्छा उत्पादन देती है। और इसकी जो अवधि है वो केवल 95 दिन जो है वहाँ पर आकी गई है, तो एक अर्ली वैरायटी है। और आप इसका उत्पादन का जो आंकलन इसी उससे लगा सकते हैं कि इसमें जो ब्रांचिंग है आप देखिए, 7 से 8 ब्रांचेज जो है आपको नज़र आ रही है। धन्यवाद।